कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर। स्वर्गीय अर्जुन सिंह के बाद राज्यसभा का टिकट पाने वाले पहले कांग्रेसी बने राजमणि पटेल। आज से ठीक 46 साल पहले राजमणि पटेल को कांग्रेस ने सिरमौर से टिकट दिया था। वो चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। इसके बाद सत्ता के गलियारे में राजमणि पटेल ने अपनी लगातार दस्तक बनाए रखी। उन्हें स्वर्गीय अर्जुन सिंह, श्यामाचरण व दिग्विजय सिंह ने अपने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी। साधारण परिवार के राजमणि का संघर्ष अपनी एक अलग ही कहानी कहता है, जिसकी बात हम फिर करेंगे। मध्य प्रदेश के तेज तर्रार नेता छतरपुर के सत्यव्रत चतुर्वेदी की जगह कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें चुना है, तो निश्चित ही कोई बात होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए विंध्य के इस पिछड़े वर्ग के नेता को राज्यसभा में जाने से कोई रोक नहीं सकता। उन्हें जीतने के लिए 52 वोट चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास 56 विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे पिताजी को ये जिम्मेवारी सौंपी है राज्यसभा का सांसद, राज्यसभा सांसद के लिए उनको नामांकित किया है, तो जिससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग जो जिनको लेकर उन्होंने संघर्ष किया है, उनको सबको साथ लेकर के, तो निश्चित रूप से उनका उसका उनको फल मिला है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे जो है तो कांग्रेस को बहुत आगने वाले चुनाव में काफ़ी मजबूती मिलेगी और पार्टी मजबूत होगी। राजमणि पटेल जी एक ईमानदार एवं संघर्षशील नेता हैं और 1972 में जब उस समय हम लोगों की उम्र 4-5 साल की रही होगी, तब वो पहली बार 25 साल की उम्र में विधायक बने और दिग्गज नेता यमुना प्रसाद शास्त्री को हराया और उसके बाद से लगातार वो शोषित पीड़ित दलितों की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और चाहे जिस पद पर भी रहे हों, उन्होंने कभी माने जो है स्वार्थ की राजनीति नहीं की और ईमानदारी के साथ जो है कांग्रेस पार्टी के एक आम कार्यकर्ता और एक जमीनी व्यक्तियों के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, जिसका परिणाम है। और कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा चयन किया है माननीय राजमणि पटेल के रूप में और इस चयन से पूरे कांग्रेस के आम कार्यकर्ता खुश हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा लगा है कि एक जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी ने महत्व एवं पारितोषिक दिया है। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बहुत बधाई के पात्र।